हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं और एक ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पेक्टोरल रीजन का। ये पेक्टोरल रीजन में सुपरफिशियल फेशिया में होता है और इसको हम इन 9 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी जो बेसिक इसके बारे में बेसिकली बेसिक क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट है वो कहाँ होती है, क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट है वो वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक है, हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक है। देन डीप रिलेशंस, यानी ब्रेस्ट के डीपर में क्या क्या मसल्स आती हैं, क्या क्या अदर स्ट्रक्चर्स आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को हम डिटेल में 3 पार्ट में पढ़ेंगे, स्किन, फिर उसके पीछे होती है पैरेनकाइमा, फिर उसके बाद होता है स्ट्रोमा। तो स्किन, पैरेनकाइमा एंड स्ट्रोमा, 3 हेडिंग्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट पढ़ेंगे। देन नंबर 5 है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। जैसे किसी भी ऑर्गन के लिए हम एनाटॉमी में यूजली उसकी ब्लड सप्लाई किस आर्टरी की ब्रांच से इसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड की जो सप्लाई है नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज, इनको हम यूजली किसी भी ऑर्गन के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें हम लिम्फ नोड्स कौन कौन सी हैं इसके अंडर में और लिम्फ वेसल्स कौन सी हैं। उसके बाद में लैक्टेटिंग फेज, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लैक्टेटिंग ऑर्गन है, तो लैक्टेटिंग फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। देन फाइनली क्लिनिकल एनाटॉमी, और एनाटॉमी में क्लिनिकल जो एनाटॉमी है वो लास्ट में हमेशा किसी क्वेश्चन में के आंसर में लिखना चाहिए, इससे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। और क्लिनिकली इस एनाटॉमी को जानने का क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आप इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ते। तो ये 9 पॉइंट हैं जिसके अंडर में हम एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये जो है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो मेल्स हैं उनमें ये रूडिमेंट्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। बट फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे इसका डेवलपमेंट बेटर होने लगता है, मीन्स इसका जो ये वेल डेवलप्ड होती है एट प्यूबर्टी फेज, ओके। लेकिन कभी कभी मेल्स में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से फीमेल लाइक ब्रेस्ट हो जाती है, यानी इनका जो डेवलपमेंट है स्पेशली प्यूबर्टी पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो आपको ये टर्म जाननी ज़रूरी है, इसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, यानी फीमेल्स लाइक ब्रेस्ट और वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी इन मेल्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से ओरिजिनेट होता है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इसका क्या मतलब है, जैसे ग्लैंड्स बॉडी में कई तरह की होती हैं, स्वेट ग्लैंड है जिनसे स्वेट सिक्रीट होता है, यानी पसीना जिनसे सिक्रीट होता है उनको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, सिबेशियस ग्लैंड है जिनको जिनसे ऑयल निकलता है वो सिबेशियस ग्लैंड है। इस तरह से बहुत टाइप की ग्लैंड होती हैं। तो जो ब्रेस्ट है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड का ही एक मॉडिफाइड रूप है एक तरह से, ठीक है। अब ये जो आपका जो ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट में ये क्या कहाँ पर होगी, सुपरफिशियल फेशिया में या डीप फेशिया में? ऑब्वियसली ये सुपरफिशियल फेशिया का ही एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गन है। और ये जो अब अगर हम इस ब्रेस्ट की बात करें, इसकी जो शेप है, शेप की बात करें तो शेप जो है इसकी हेमिस्फेरिकल बोलते हैं, जैसे हेमिस्फेरिकल बल्ज, जैसे ये लोअर पोर्शन में ज़्यादा होता है। अब जो ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट में से क्या होता है कि अगर मैं इसके क्वाड्रेंट को डिवाइड कर लूँ, मतलब ब्रेस्ट को हम अगर ऐसे डिवाइड कर लें, तो ये मीडियल पोर्शन है, ये मीडियल है साइड और ये लेटरल साइड है, तो इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये अपर है, ये भी अपर है, ये लोअर है, ये भी लोअर है। इसमें इसको हम क्योंकि मीडियल साइड में है तो अपर मीडियल, ये मीडियल साइड में है लोअर मीडियल, ये अपर लेटरल और लोअर लेटरल। तो इस तरीके से हम इसको 4 क्वाड्रेंट में ब्रेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें जो अपर लेटरल पोर्शन है, इसको हम सुपीरियर लेटल भी कहते हैं, जो अपर लेटल पोर्शन है वो क्या करता है, उससे एक एक्सटेंशन जाता है, मतलब उससे एक तरह से उसका एक पार्ट जो है वो डीपर चला जाता है। यानी जैसे सुपरफिशियल फेशिया में ब्रेस्ट है, उसका एक पोर्शन जो है वो ऐसे डीप में ऐसे चला जाता है, और यानी अंदर क्या है, डीपर कौन सा फेशिया होगा, डीप फेशिया, तो इसका एक एक्सटेंशन सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में चला जाता है। और कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये एक्सिला में चला जाता है। देखो लेटरल ऐसे जा रखा है, ये हमने डॉटेड से दिखाया है क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं एक्सिला में सिचुएटेड होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, क्योंकि ये एक्सिला में है इसलिए इसका जो नाम है वो एक्सिलरी टेल है, ठीक है। तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस क्या है, जो सुपीरियर लेटरल पोर्शन है वही उसी का एक्सटेंशन है जो डीपर जाके डीप फेशिया में चला जा रहा है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जो कैंसर्स होते हैं वो टेंडेंसी होती है उनमें इधर एक्सिलरी टेल के अंदर जाने की। जिस फोरामेन से
ये एक्सटेंशन डी फेशिया में जाता है, उसका स्पेशल नाम है फोरामेन ऑफ लैंगर। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस और एक है फोरामेन ऑफ लैंगर। अब जो ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट में क्या होता है, मिडिल में पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, और उसके मिडिल में निपल होता है। तो ये जो है ये वाला, इसे कहते हैं हम एरियोला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में डिटेल में। और इसके मिडिल में होता है निप्पल। निप्पल की पोजीशन भी आपको याद रखनी ज़रूरी है, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। वैसे तो एज के साथ साथ ये वेरी कर सकते हैं इसकी पोजीशन, बट ये यूजुअली क्या है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी कि जो दो रिब्स हैं उनके बीच में अलग अलग स्पेस होते हैं, उसमें फोर्थ वाले में ये निप्पल सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में। और ये फीमेल्स में एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी सेक्स ऑर्गन बनाती है, और ये जो ग्लैंड है इससे मिल्क का सिक्रीशन होता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लैक्टेटिंग ऑर्गन, और जो कि न्यू बॉर्न बेबीज को मिल्क देने के लिए ये यूज़ होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ बेस, यानी कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड होती है। अब आप इस डायग्राम में देखोगे तो वर्टिकली का मतलब ऐसे कहाँ से कहाँ तक फैली है, और हॉरिजॉन्टल इसका एक्सटेंट है यानी कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो वर्टिकली की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे आता है स्टर्नल एंगल, यानी स्टर्नम का जो एंगल आता है स्टर्नल एंगल आता है, और यहाँ पे रिब आती है सेकेंड रिब। जो लोअर पार्ट है यानी ये यहाँ पर आता है इसका सिक्स रिब का पोर्शन, ठीक है, ये लेबल है सिक्स रिब के लिए। रिब्स हैं ऐसे ऐसे सिचुएटेड है चेस्ट में। तो अब हम वर्टिकल एक्सटेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड रिब से लेके सिक्स रिब तक आपकी सिचुएटेड है, यानी इसका एक्सटेंशन सेकेंड रिब से सिक्स रिब तक है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक ये हॉरिजॉन्टली है। ये बीच में होता है स्टर्नम, ये एक्चुअली स्टर्नम, इस तरीके से स्टर्नम है। तो स्टर्नम का जो लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया, तो जो स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर है इसका एक्सटेंट लगभग वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये मीडियल, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके यहाँ पर एक लाइन आती है मिड एक्सिलरी लाइन। तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट जो है लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक है। मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ होती है, एक्चुअली इस डायग्राम में आप देखोगे तो हमने दो फोल्ड दिखाए हुए हैं, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, ये पोस्टीरियर फोल्ड है, एक्सिला का एंटीरियर फोल्ड, एक्सिला का पोस्टीरियर फोल्ड। तो जो एंटीरियर फोल्ड होता है यहाँ पे होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो पोस्टीरियर फोल्ड होता है, ये पोस्टीरियर फोल्ड है वाला, वहाँ पे होती है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और उन दोनों के बीच में मिड एक्सिलरी लाइन होती है। ठीक है, तो ये आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक आपका ये इसका एक्सटेंट होता है। नाउ डीप रिलेशंस, तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के डीपर में, यानी ब्रेस्ट को अगर हम हटा दें तो उसके डीपर में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगी, वो इसके डीप रिलेशंस में होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के डीपर में होता है पेक्टोरल फेशिया, और क्योंकि ये पेक्टोरल लीजन का फेशिया है इसलिए इसका नाम पेक्टोरल फेशिया है, और ये एक्चुअली डीप फेशिया होता है। ये डीप फेशिया है, हमारी जो ब्रेस्ट है वो कहाँ पर है, वो सुपरफिशियल फेशिया में है, और इसके डीपर में है पेक्टोरलिस फेशिया या फिर डीप फेशिया, और ये जो डीप फेशिया है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर होता है, यानी कि ब्रेस्ट है फिर पेक्टोरल फेशिया है, और उसके जो डीपर में पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। इस मसल का नाम मेजर इसलिए क्योंकि बड़ी मसल्स है, और पेक्टोरलिजन की मसल है तो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। तो अगर हम डीप फेश, इसके जो रिलेशंस है इसमें हम तीन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहले पेक्टोरलिस फेशिया है, पेक्टोरल फेशिया इसे क्योंकि डीप फेशिया है, फिर इसके डीपर में कौन कौन सी मसल्स हैं, और एक इंपॉर्टेंट स्पेस होता है रिट्रो मेमोरी स्पेस, वो स्पेस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जानना है। तो एक तो हो गया आपका डीप फेशिया जो कि है पेक्टोरलिस फेशिया। फिर आती है मसल्स, इसमें जो मसल्स हैं वो अगर हम डीपर की बात करेंगे, ऊपर जो मसल्स है सुपीरियर मीडियली में अगर देखोगे तो वो है आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये पीछे काफ़ी बड़ी मसल होती है जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल है, और इसके लोअर साइड में मीडियली जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमेन की मसल होती है। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक इसके इन्फीरियर साइड में मीडियली है, और लैटरल साइड में जो है वो सिरेटस एंटीरियर मसल्स हैं। तो इसके इसमें तीन मसल्स आती हैं, एक है आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरी मसल है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये एक्सटर्नल वाली है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये एब्डोमेन की मसल है, और तीसरी जो मसल है वो है आपकी सिरेटस एंटीरियर मसल। तो ये तीन मसल्स इसके डीप रिलेशंस में आती है।
अब आता है रिट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है। जैसे नाम बता, रिट्रो का मतलब था पीछे, मेमोरी हम मेमोरी ग्लैंड के लिए या ब्रेस्ट के लिए मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये जो स्पेस है ये ब्रेस्ट के पीछे है कहीं, तो इसके पीछे ही होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रो मेमोरी स्पेस। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रेस्ट है और उसके पीछे ब्लू से जो मैंने शो कर रखा है वो है पेक्टोरलिस फेशिया, पेक्टोरल फेशिया। तो ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से जो स्पेस अलग करता है वही हमारा रिट्रो मेमोरी स्पेस। तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, ये है आपका रिट्रो मेमोरी स्पेस। ओके, तो ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से अलग करने वाला जो स्पेस है वो है रिट्रो मेमोरी स्पेस। ये जो स्पेस है ये लूज एरियोलर टिश्यू से भरा हुआ होता है, इसमें ना लूज एरियोलर टिश्यू होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका याद रखने के लिए। अब ये लूज एरियोलर, क्योंकि इसमें टिश्यू भरा हुआ है वो लूज होता है, और उस टिश्यू की वजह से ही जो ब्रेस्ट है वो इस मसल्स के ऊपर, पेक्टोरिस मेजर मसल के ऊपर मूव कर सकती है। तो ब्रेस्ट को लैटरली भी मूव कर सकते हैं और वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। तो ये इस रिट्रो मेमोरी स्पेस के जो एल्वियोल, जो इसमें रिट्रो मेमोरी स्पेस में लूज एरियोलर टिश्यू है, इसी की वजह से ये ब्रेस्ट की मूवमेंट लैटरली एंड वर्टिकली पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, लेकिन जब कैंसर वगैरह की कंडीशन है तो ब्रेस्ट जो है वो पूरा प्रॉपर मूव नहीं हो पाती है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो इस स्पेस में उसके पीछे जो है इकट्ठी होती है। इसको हम अभी क्लिनिकल पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल रिट्रो मेमोरी स्पेस के बारे में, ये लूज एरियोलर टिश्यू है, इसकी वजह से मूवमेंट्स ब्रेस्ट की पॉसिबल हो पा रही है। दूसरा, जब ब्रेस्ट में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं तो जो इम्प्लांट्स होते हैं वो इसी स्पेस में, मतलब इसी स्पेस में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। तो ये डीप रिलेशंस जो है इसके बारे में, ये तीन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो जो सबसे पहले स्किन, जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ऊपर जो कवरिंग है वो स्किन है, और स्किन में दो चीज़ें हैं, एक निप्पल है, एक एरियोला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निप्पल की। निप्पल जो है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो निप्पल्स क्या है, ये सेंटर में होता है, ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट के सेंटर में निप्पल होता है। ओके, तो ये सेंट्रल है, सेंट्रल स्ट्रक्चर है निप्पल, और ये एज अ एक प्रोजेक्शन होता है, स्किन से थोड़ा प्रोजेक्ट होकर बाहर को निकला रहता है। अब आती है इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, और मिडलाइन से अगर आप लोगे तो 10 सेंटीमीटर है लैटरल साइड में, यानी मिडलाइन, जो मिडलाइन है हमारी उससे 10 सेंटीमीटर, तो इट इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिडलाइन। ओके, अब जो निप्पल है, निप्पल पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, ब्रेस्ट का जो मेन कंपोनेंट है, ब्रेस्ट में मेनली लोब्स होते हैं, और जो लोब्स हैं फाइनली उनसे लैक्टिफेरस डक्ट फाइनल निकलती है, जो ये फॉर्म होती है लैक्टिफेरस डक्ट, और ये निप्पल में आके ओपन होती है, जिनसे मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो वो जो है अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो एक साइड के निप्पल में आके ओपन होती है। और ये जो लोब्स हैं, अभी इसको पैरेन्काइमा में हम पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा में लोब्स होते हैं वो भी 15-20 ही हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हो गया इसकी लोकेशन। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें 15-20 लैक्टिफेरस डक्ट्स आके ओपन होती है। ओके, जिनके थ्रू मिल्क का सिक्रीशन होता है। देन निप्पल जो है एक वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें रिच नर्व सप्लाई होती है। ये इसका, ब्रेस्ट का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेस्ट इज निप्पल, और इसमें कुछ सेंसरी एंड ऑर्गन्स भी होते हैं। तो सेंसरी एंड ऑर्गन्स की वजह से भी ये सेंसिटिव होता है, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट ये इरेक्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिच नर्व सप्लाई, सेंसरी एंड ऑर्गन्स, ये बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है इसका। अब हम बात करते हैं एरियोला की। एरियोला क्या है, वो भी स्किन की स्ट्रक्चर है। स्किन में दो चीज़ें आ रही हैं, निप्पल आ रहा है एंड एरियोला आ रहा है। अब जो निप्पल है, निप्पल के अगर
चारों तरफ एक सर्कुलर एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला। इसका कलर बाकी जो ब्रेस्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ये पिगमेंटेड कलर ले लेता है। तो ये जो है नंबर वन पॉइंट है कि ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि देखो निप्पल पे तो ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स है वो आके ओपन होती हैं। ये अगर आप देखोगे ना, आप निप्पल का जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये एरिया हो गया, निप्पल पे आके सारी डक्ट्स ओपन हो रही है। अब इसके चारों तरफ एरिया जो है वो इस तरीके से निप्पल होगा, जहाँ पे क्या होते हैं जो लैक्टिफेरस साइनस होते हैं, ये लैक्टिफेरस साइनस एरियोला पे आके एरियोला के एरिया में होते हैं। ये लैक्टिफेरस साइनस क्या है, जो यहाँ पे पैरेन्काइमा में लोब्स हैं, इन लोब्स का टर्मिनल डायलेशन है, मतलब टर्मिनल एरिया पे एक स्वेल, मतलब फूला हुआ सा एरिया होता है, डायलेशन बोलते हैं उसको। यहाँ पे जो मिल्क है वो स्टोर रहता है। तो एरियोला में आपके कौन सी चीज़, 15 to 20 लैक्टिफेरस साइनस यहाँ पर होते हैं, और उन साइनस में क्या हो रहा है, मिल्क स्टोर होता है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती है। सीबेशियस ग्लैंड मतलब, सीबेशियस ग्लैंड वो होती है जो कि ऑयल का सिक्रेशन करती है, इसलिए ये जो ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है ऑयली एरिया का, वो निप्पल को और एरियोला को ऑयली रखता है। और स्पेशली जो ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ये इंक्रीज एनलार्ज हो जाती है, और कुछ उठे हुए से ट्यूबरकल्स टाइप के पोर्शन बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल। तो मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल क्या है, मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का ही एनलार्जमेंट है ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। और ये क्या करती है, बिकॉज लैक्टेशन के टाइम पे क्या करती है, ये जो निप्पल्स है और एरियाला है उसको क्रैक होने से रोकती है। तो बाकी इसमें अदर स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं मॉडिफाइड, और अदर एसेसरी मेमोरी ग्लैंड्स भी एरियोला के एरिया में होती है, जबकि जो निप्पल है, निप्पल में आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर बाकी ग्लैंड्स भी होती हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं निप्पल्स के एरिया में। ठीक है, तो एरियोला के बारे में ये पॉइंट्स कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। जो पैरेन्काइमा है वो ये एरिया है, मेन जो बल्क है वो पैरेन्काइमा का लोब्स ही बना रहे हैं। इसमें पैरेन्काइमा में क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। तो लोब्स भी देखो 15 to 20 ही लोब्स हैं, 15 to 20 ही लैक्टिफेरस साइनस हैं, और 15 to 20 ही लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो कि निप्पल में ओपन हो रही है। तो जो पैरेन्काइमा है उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं आपके लोब्स, और वो लोब्स कितने हैं, 15 to 20। ठीक है, अब इन लोब्स का जो टर्मिनल पोर्शन है वो डायलेटेड है, उसको हम लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं, जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। और जो टर्मिनल एंड है उसको हम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स बनती है, ये जो एरिया है ये वाली जो बन गई डक्ट्स बन गई, और ये फाइनली ओपन हो रही है निप्पल में टू सिक्रीट द मिल्क। अब अगर ये जो हमने डायग्राम लिया है, ये इस लोब का एक एनलार्ज फॉर्म ले लिया, इस एक लोब को हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया, तो ये जो लोब्स होते हैं इसमें, इन लोब्स में ना इस तरीके से लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता, मतलब ब्रांचिंग हो जाती है। तो जो ये है इसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। तो लोब्स आर मेड अप ऑफ मेनी लोब्यूल्स, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है, और जो लोब्यूल्स हैं उनके एंड में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई या एसिनाई। ठीक है, तो उनमें एल्वियोलाई या एसिनाई बोलते हैं, जहाँ पर मिल्क फॉर्म होता है। ये फाइनली क्या करते हैं, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ये लैक्टिफेरस साइनस इसका डायलेशन है, और फाइनली ये निप्पल्स में ही ओपन होंगे। तो इस तरह से कई सारे लोब्स ना इस निप्पल्स के अंदर ही इस तरीके से पूरे चारों तरफ से ओपन होते हैं। ओके, अब इसका आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो पोर्शन है वो, जो जैसे अभी तो लोबिस हो गए, बाकी जो एरिया है वो आपका स्ट्रोमा कहलाता है। उस स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा में कुछ फैट होता है और कुछ इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो आपका ये स्ट्रोमा है ये दो तरह का है, एक फैटी है और एक आपका फाइब्रस है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है, फाइब्रस। तो इस एरिया में काफ़ी फैट होता है यहाँ पे, जो ब्रेस्ट को एक
वॉल्यूम देता है। और ये ब्रेस्ट में जो फैट है बाकी सब जगह पे है एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, यानी यहाँ पर फैट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी जो फाइबरस पार्ट है वो क्या करता है, वो कुछ फाइबर्स बनाता है और उनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बनाता है जो कि ब्रेस्ट की स्किन को, अब आप देखोगे स्किन से अटैच कर रखा है मैंने कहीं पे, कहीं देखोगे लोब्यूल से, जो ब्रेस्ट की स्किन को और ब्रेस्ट ग्लैंड को यानी लोब्यूल्स को कहाँ से अटैच कर रहा है, अगर आप देखोगे ये पेक्टोरिस फेशिया से अटैच कर रहा है। जो ब्लू स्ट्रक्चर मैंने बनाई है लास्ट, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसे हम पेक्टोरल फेशिया है ये, ओके। और इसके पीछे कौन सी मसल है, ये मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो अगर आप ध्यान से देखो इस फेशिया से अटैच हो रहा है, तो जो लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है वो ग्लैंड्स को और जो लोब्स हैं उनको पेक्टोरल फेशिया से कनेक्ट करते हैं और इसकी वजह से सपोर्ट मिलता है ग्लैंड को। दूसरा, ये जो पेक्टोरल जो ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, ये जो ब्रेस्ट है उसको एक प्रोट्रूबरेंस देते हैं, मतलब ब्रेस्ट का जो प्रोट्रूबरेंस है, जो उभरी ब्रेस्ट रहती है, वो इस उसका रीज़न ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है। अब ओल्ड एज में क्या होने लगता है, धीरे धीरे इन लिगामेंट्स की एट्रोफी होने लगती है, इसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो नीचे लटकने लगती है, इनको हम बोलते हैं पेंडुलस ब्रेस्ट। तो इनका बहुत ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर का।